नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज किया वो है बजरीगर को सॉफ्ट फूड क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, देने का क्या सही तरीका है। और इसमें एक जो टॉपिक मैंने कवर किया है बजरीगर के अंदर मेल और फीमेल में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, सॉफ्ट फूड क्यों ज़रूरी है? आपको पता है कि बर्ड्स जो है खाली सीड्स यदि आप उनको डाइट में देते हो, और कोई भी सॉफ्ट फूड में क्या क्या इंक्लूड होता है पहले तब के पता होना चाहिए। सॉफ्ट फूड का मतलब ये नहीं होता कि केवल सीड्स को पानी में भिगो कर देना ही सॉफ्ट फूड होता है। सॉफ्ट फूड को होता है जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, कैरेट होती है, गाजर होती है, बीन्स होती है, यानी मटर को आप एज सच आप पानी में डाल करके बॉयल करके बर्ड्स को दीजिए, एज ए सॉफ्ट फूड तैयार होता है। गाजर के छोटे छोटे पीसेस करके भी आप बॉयल करके बर्ड को देंगे, बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड तैयार हो जाएगा आपका। पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, आपकी जो है स्वीट कॉर्न्स को यदि आप बॉयल करके अपने बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स उसे काफ़ी पसंद करता है। तो ये सब चीज़ों की वैरायटी आप इसमें से पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को भी चूज़ कर सकते हैं, या इन सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन पानी में बॉयल करके ठंडा करके अपने बर्ड्स को देंगे तो ये बर्ड्स के लिए सॉफ्ट डाइट का काम करेगा। और सॉफ्ट डाइट आपको पता है बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी थी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। मतलब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके यदि एक एक टीस्पून आप अपने एक बर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो उसके लिए पूरे दिन के लिए सफिशिएंट डाइट है। लेकिन देना जरूर चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट डाइट देने से क्या होता है, इनकी इंटेस्टाइन में जो माइक्रो जो हार्मफुल जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा मेंटेन रहते हैं, और उससे बर्ड्स का डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा, इस टाइम ब्रीडिंग का सीज़न भी स्टार्ट हो गया, ब्रीडिंग सीजन्स में यदि बर्ड्स को आप सॉफ्ट डाइट दोगे तो ऑटोमेटिक क्या है, बर्ड्स की हेल्थ एक तो अच्छी होगी, दूसरा इस अगले 2-3 महीने यदि आप अपने बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड देते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जब बर्ड्स अंडे में से जब बच्चा निकलेगा उसको ये सॉफ्ट फूड खिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और बच्चे हेल्दी होंगे और उनका वेट बहुत जल्दी गेन करेगा। इसलिए सॉफ्ट फूड का बजरीगर की लाइफ में या एज कह सकते हो एज ए बर्ड्स एज ए पैराकीट्स में बहुत अहम रोल है। बर्ड्स को खाने में क्या नहीं देना चाहिए बजरीगर में? हम देखिए, कोई भी चीज़ एक्सेस होती है, एक्सेस लिमिट हमेशा ख़राब होती है। तो उसमें जैसे ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, ये स्मॉल क्वांटिटी में तो आप दे सकते हो एज ए मेडिसिन के तौर पे, हल्क जितनी मेडिसिन होती है उसके, लेकिन यदि आप इन चीज़ों को एक्सेस में यदि अपने बर्ड्स को देते हो ये बर्ड्स के लिए हमेशा नुकसानदायक या हार्मफुल होते हैं, इसलिए अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर। यदि आपको देना ही है ऐसे दवाई के तौर पर, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में दे सकते हैं आप उसको। बर्ड्स को खाने में क्या नहीं देना चाहिए स्पेशली फॉर बजरीगर्स और इवन ऑल पैराकीट्स, जितने भी तोते की वैरायटी के हैं, जैसे उसमें मैकाओ हो गया, आपके सन कन्नूर हो गया, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हो गया, इनको खाने में क्या नहीं देना चाहिए? देखिए, जितनी भी तली चीज़ें फ्राइड जो ऑयल में बनती है वो सब चीज़ें बर्ड्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑयली चीज़ देने से बर्ड्स में क्या होता है, फेदर्स में खुजली चालू हो जाती है, अपने बर्ड्स क्या है फैट लेने से क्या है उसकी शरीर में खारिश शुरू होती है, और उसको दूर करने के लिए बर्ड्स जो अपने बॉडी के अंदर इचिंग स्टार्ट करते हैं। इचिंग में क्या होता है, जब इचिंग एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो बर्ड्स क्या एक एक करके अपने फेदर्स को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बर्ड्स की डाइट में ऑयली तेल से तली हुई जितनी भी चीज़ें उनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। साल्ट नहीं देना चाहिए, नमक बर्ड्स को नहीं देना चाहिए, कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल हो गई, ये भी बर्ड्स को उनकी डाइट में नहीं देना चाहिए, पेस्ट्रीज हो गई, केक हो गया, चिप्स हो गई, ये सब चीज़ें जो बर्ड्स के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं, और इनको देने से बर्ड्स में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इनको, क्योंकि इनमें क्या है मसालेदार चीज़ें होती हैं, ये सब बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट करते हैं, और कहीं ना कहीं बर्ड्स में गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन चीज़ों को उनकी डाइट में ना ही डाले तो अच्छा है, उनकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है सभी चीज़। बर्ड्स को हमेशा कोशिश करनी चाहिए पैलेट फॉर्म की जो डाइट होती है स्पेशली वो देनी चाहिए। पैलेट फॉर्म में क्या होता है, पैलेट्स आपको पता है कि बर्ड्स के जो फ्रूट्स से बने होते हैं, यानी अलग अलग फ्रूट्स को ड्राई करके उसको पैलेट फॉर्म में, उसको डाई फॉर्म में दे करके पैलेट्स होते हैं, और वो पैलेट्स में क्या होते हैं, फ्रूट्स का ही एक कॉम्बिनेशन, मतलब आप ये मानिए कि फ्रूट्स को ड्राई करके उसको पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके पैकेट के अंदर आपको पैक करके दे दिया है। न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है, अब बर्ड्स इसको खूब पसंद करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि बर्ड्स की पैराकिट्स की डाइट में स्पेशली पैलेट्स डाइट हमेशा होनी चाहिए, इससे बर्ड्स की सेहत भी अच्छी है, होने वाली जो जनरेशन है वो भी काफ़ी हेल्दी होगी।
बर्ड्स की डाइट में जो सीड्स है वो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सीड्स देने से बर्ड्स के अंदर, क्योंकि सीड्स क्या होते हैं, फैट का सोर्स होता है, उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। आपने बर्ड्स को टोटली फीड्स दिया, सीड्स दिया, आपने बर्ड्स को टोटली सीड्स दिया, उसकी डाइट में कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल या कोई स्प्राउट्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, बर्ड्स की बॉडी में फैट डिपॉजिट होना चाहिए। फैट डिपॉजिट होने से क्या होगा, आप देखेंगे उसके चेस्ट वाले बोन में वहाँ पे एक्सेस फैट होगा, वेंट वाले एरिया में एक्सेस फैट होगा, और बर्ड्स के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है, एक्सेस फैट डिपॉजिट होने की वजह से आपका बर्ड्स जो है एग ले नहीं करेगा, या एक्सेस फैट होने से यदि बॉडी में एग बन भी गया है तो उसको पुश करने के लिए बाहर बर्ड्स को काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एक्सेस फैट डिपॉजिट होगा, उस कंडीशंस में बर्ड्स में जो है एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए सीड्स रखें, लेकिन एक लिमिट में 30-40% जो रेशियो है सीड्स का दीजिए, बाकी जो 60% आपको स्प्राउटेड फूड्स दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो, वेजिटेबल्स दे सकते हो, या पैलेटेड डाइट्स आप बर्ड्स को दे सकते हैं। यदि आप अपने सीड्स को 24 घंटे पानी में सोख करके देते हो तो वो भी एक सॉफ्ट डाइट का रूप धारण कर लेती है। उसमें क्या कर सकते हो, सीड्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप बाजरे को भिगो के दे सकते हो, गेहूं को पानी में 24 घंटे भिगो करके फिर अगले 12 घंटे उसको सुखा करके कपड़े में टांग करके आप उसको दीजिए। बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गई, मक्का हो गया, इन सब चीज़ों को पानी में सिंपल डिप कीजिए 24 घंटे, फिर अगले 12 घंटे उनको एक कपड़े की पोटली में लपेट करके टांग दीजिए ताकि वो थोड़े से अंकुरित हो जाए और वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे। आप देखेंगे इसमें काले चने भी आप ऐड कर सकते हैं, आपका बर्ड्स इस तरह की जो सॉफ्ट पैलेटेड डाइट्स होती है बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए बर्ड्स की डाइट में इसका आप कह सकते हो इस तरह की डाइट हमेशा देनी चाहिए जिसमें सीड्स का कॉम्बिनेशन हो। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो बर्ड्स बहुत पसंद कर सकते हैं, आप उनको बारीक करके छोटे छोटे पीसेज में चॉपिंग करके आप अपने बर्ड्स को दीजिए, बर्ड्स उसे काफ़ी एंजॉय करें। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सबसे अच्छा सोर्स होता है, आपको पता है कि बर्ड्स में ब्रीडिंग के दौरान कैल्शियम उनकी बॉडी में बहुत एक्सेस डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती है, और जब उनको हरी पत्तेदार सब्जी आप अपने बर्ड्स को खाने में देंगे तो ऑटोमेटिक जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उस टाइम जो बॉडी में डबल ट्रिपल टाइम्स उनकी बॉडी रिक्वायर्ड होती है, ये हरी पत्तेदार सब्जी देने से आपके बर्ड्स की कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाएगी। अब बर्ड्स का जो एग होगा काफ़ी हेल्दी होगा और बर्ड्स के उस एग में से जो भी निकलेंगे वो भी काफ़ी हेल्दी होंगे। बर्ड्स में किसी भी प्रकार की वीकनेस आपको देखने को मिले क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही एक्सेस में कैल्शियम स्टोर है। कैल्शियम के सोर्स पे जो है आप अपने बर्ड्स के केजेस में कटल बोन फिश भी आप लगा सकते हो, या कटल बोन फिश को आप पीस करके उसके पाउडर फॉर्म में उसके खाने में मिक्स करके आप दे सकते हो, इससे भी बर्ड्स की कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। अब सॉफ्ट डाइट देखिए आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, बड़ा ही ईजी है। आपने एक बॉयल्ड एग लेना है, अंडे को 15 मिनट पानी में उबालना है, अंडा अच्छे से उबल जाएगा 15 मिनट में। आपने उसको ठंडा करके छील करके उसके जो अंडे के छिलके हैं उसको भी आप ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, जो उबला हुआ अंडा है उसको कद्दूकस कर लीजिए, मैश कर लीजिए। एक चम्मच आपने बाजरा लेना है, बाजरे को पानी में भिगो देना है, पानी में भीगने से जो है बाजरा सॉफ्ट हो जाएगा। एक चम्मच आपने ब्राउन राइस लेना है, उसको भी आप पानी में भिगो दीजिए या उसको पानी में बॉयल करके उसको सॉफ्ट पका लीजिए। ब्राउन राइस हो गया, एक एग हो गया बॉयल, एक चम्मच जो है आप उसमें बाजरा ऐड कर लीजिए, एक चम्मच जो है मिक्स सीड्स यानी जो डिफरेंट सीड्स हैं जैसे उसमें मक्का, चना, बाजरा, गेहूं, इन सब की जो सीड्स की जो वैरायटी है उसको पानी में भिगो करके दो चम्मच के करीब उसको भीगने दीजिए पानी में। जब वो सॉफ्ट हो जाए, ये जो आप अंडा मैश करेंगे इसमें उन चीज़ों को ऐड कीजिए। इसके अलावा दो चम्मच आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को चॉपिंग करके भी आप इस सॉफ्ट डाइट का एक हिस्सा बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप एक बाउल में आप रख दीजिए, आपको देखेंगे बर्ड्स बहुत खुश होकर के इसको खाते हैं, और इसको देने से बर्ड्स के एक तो कलर्स, फेदर्स के जो कलर्स है वो बिल्कुल डाउन नहीं होंगे, उनके कलर्स के रंगों कि जो चमक हमेशा बरकरार रहेगी सॉफ्ट डाइट देने से, क्योंकि उसको डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इसलिए ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, एग हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ड्राई सीड्स को या ब्राउन राइस को, इन सब को कॉम्बिनेशन में जिस जिस तरीके से मैंने बताया, इनको एक एक चम्मच करके सारी चीज़ों को मिला करके आप एक बर्ड्स को इसमें से एक एक टीस्पून पर बर्ड्स की डाइट हो गई है, डाइट चार्ट हो गया। हर बर्ड्स को एक एक चम्मच नाप करके आप इंडिविजुअली आप दे दीजिए, ये बर्ड्स के लिए अपने आप में कंप्लीट हेल्दी डाइट है। फूड देने का भी अलग अलग तरीका होता है, आप देखिए फूड सुबह से लेकर शाम तक भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान क्या है, क्योंकि चीज़ें पानी में भीगी हुई हैं, आपको पता है कि इन दिनों में जैसे मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो
होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसलिए इस तरह के फूड्स को कोशिश करनी चाहिए सिर्फ 15 से 20 मिनट रखें, उसके बाद जितना बर्ड्स खा ले ठीक है, उसके सामने से हटा देना चाहिए। या इसी को आप दो टाइम में डिवाइड करके आप बदलें, सुबह 15-20 मिनट आप बर्ड्स को रखिए, शाम को इसी का बचा हुआ हिस्सा आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। शाम को देने से आधा घंटे पहले फ्रिज में से निकाल करके फिर शाम को 15-20 मिनट आप दे सकते हो। इसलिए इस तरीके से ना तो उस फूड में किसी बैक्टीरियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है, ना उसके ख़राब होने की संभावना है। अब बर्ड्स को जो न्यूट्रिशन मिलना, पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा आपके बर्ड्स को। बात आती है बजरीगर्स में मेल और फीमेल इजिली आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ये जो मेरा मेन वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है कि बजरीगर में सॉफ्ट फूड डाइट में क्या देना चाहिए, उसी को टॉपिक से रिलेटेड है कि मेल और फीमेल में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि आप हेड का कंपैरिजन करेंगे तो फीमेल का जो हेड साइज होता है मेल के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। एक तो आप हेड साइज को कंपेयर करके आप मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा जो है नेजल सीयर्स, आपने देखे होंगे जो नाक के ऊपर नोस्टिल के दो नेजल सीयर्स होते हैं, मेल के अंदर ये जो है ब्लूइश कलर के होते हैं और फीमेल के अंदर ये ब्राउन कलर के होते हैं। ये सबसे इजी तरीका है मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट करने का बजरीगर के केस में। फीमेल्स के यदि आप पैर को नोटिस करेंगे तो फीमेल्स के जो पैर है वो हमेशा टिंक्ट ब्राउन कलर के होते हैं। मेल के यदि आप पैरों के कलर देखेंगे तो थोड़ा सा टिंक ब्लू कलर का होता है, और उस कलर के आधार पर भी आप मेल फीमेल में आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको किसी को बर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली बजरीगर से या और किसी पैराकीट्स की या पिजन्स की, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811061861। देखिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका फ़ोटो या वीडियो आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और वहाँ पर जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट आप डाल दीजिए, आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई मिल जाएगा। बेटर ये रहेगा कि यूट्यूब चैनल ने आप सब लोगों की सुविधा के लिए ज्वाइनिंग का बटन ऑप्शन आप लोगों के पास आ चुका है। आप चैनल पे जाकर के मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और हमसे जितना बेनिफिट्स आप ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि मेंबर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने होते हैं। जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिक आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, आपकी जो भी समस्या का समाधान होगा वो हम आपको फ़ोन पर ही कर देंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।